हेलो गाइज, वेलकम टू एसकेएम डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, काफी लोगों का कमेंट आया था कि भाई बैंक का बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते वक्त जब हम यूजर आईडी को फॉरगेट करते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर आ रहा है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस तरीके की प्रॉब्लम आ क्यों रही है और आप किस तरीके से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फॉरगेट करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं यूजर आईडी के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे BOB। टाइप करके जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग इंडिया। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यूजर आईडी फॉरगेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो एप्लीकेशन एरर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप यूजर आईडी फॉरगेट क्यों कर रहे हैं। क्या आपको यूजर आईडी पता नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका कस्टमर आईडी है वही आपका यूजर आईडी होता है। तो आपको फॉरगेट करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, वो आपके पासबुक पर जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक है उस पर ऑलरेडी दिया हुआ होगा कस्टमर आईडी। या फिर अगर आप BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें प्रोफाइल पर क्लिक करके वहाँ से भी आप यूजर आईडी निकाल सकते हैं। तो जो आपका कस्टमर आईडी है वही आपका यूजर आईडी होगा। तो आपको फॉरगेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया भी है। फिर भी अगर आप यूजर आईडी फॉरगेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस पेज पर आना है, लेकिन आपको देर तक नहीं रहना है। आपको तुरंत अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस पेज पर 1 से 2 मिनट रह जाएंगे तो एप्लीकेशन एरर आ जाएगा, 100% है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और कई बार क्या होता है, जैसे कि आप इस पेज पर हैं तो आप सोचते हैं कि मैं डेस्कटॉप मोड में चला जाऊँ इस पर क्लिक करके, और जैसे ही मैं डेस्कटॉप मोड पर जाऊँगा तो भी एप्लीकेशन एरर आ जाएगा। जैसे मैं एक बार इस पर क्लिक करके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप मोड से हट गया हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अगर ये अकाउंट नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर हम डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन एरर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इतने टाइम तक रुका हूँ, मतलब 1 मिनट लमसम हो गया है इस पेज पर रुकी हुई। अब अगर मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करूँगा तो एप्लीकेशन एरर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस पेज पर लगभग 1 मिनट स्टॉप रहा। अब मैं यहाँ पर जैसे अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालकर एंटर करूँगा, एक बात और याद रखना, मोबाइल नंबर के आगे आपको +91 जरूर लगाना है, तभी ये जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू, जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर आ गया। अब इसका रीज़न क्या दिखाया हुआ है नीचे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव यूज बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश बटन ऑफ योर ब्राउजर। यानी अगर आप ब्राउजर का जो रिफ्रेश बटन है उस पर अगर क्लिक करते हैं या फिर आप फॉरवर्ड करते हैं तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा रीजन बताया हुआ है यू हैव केप्ट द ब्राउजर विंडो आइडियल फॉर द लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर आप इस पेज पर, यानी जिस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं उस टाइम अगर आप 1 से 2 मिनट या फिर मतलब लॉन्ग टाइम तक रह जाते हैं तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के मिल जाएगा। और तीसरा रीजन बताया हुआ है यू हैव लॉगेड इन फ्रॉम अनदर ब्राउजर विंडो। यानी अगर आप अदर ब्राउजर पर ओपन कर रहे हैं तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर चौथा रीजन जो बताया हुआ है कि मतलब अगर आप एप्लीकेशन URL फ्रॉम द सेव साइटिक पेज, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन को सेव करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करके या फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे हम इस पर क्लिक करके अगर हम होम स्क्रीन पर इसको ऐड कर लेते हैं और वहाँ से ओपन करेंगे तो भी हमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ज़्यादा देर तक पेज पर नहीं रुकना है, तुरंत अपना बैंक अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर इंटर करके प्रोसेस आगे
करते जाएंगे तो चला जाएगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। अब हम यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तुरंत हम अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर करेंगे और प्लस 91 लगाकर यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर OTP सेंड हो गया है और यहाँ पर OTP आ गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने OTP यहाँ पर इंटर कर लिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी हमारे ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर जो यूजर आईडी वो सेंड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आगे प्रोसेस 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। बस आपको बैक नहीं करना है और स्क्रीन पर ऐड यानी URL के माध्यम से नई वेबसाइट को ओपन करना है और आपको क्या करना है, ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना है और आप गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे 100% आपकी प्रोसेस आगे हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे ब्राउजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैं एप्लीकेशन पर कुछ देर तक रुका हुआ था तो वहाँ पर मुझे एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर देखने को मिला, लेकिन इस टाइम जो है बिल्कुल OTP सेंड हो गया और जो है मेरे ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी आ भी गया। तो आपको यूजर आईडी पता है, जो आपका कस्टमर आईडी वही आपका यूजर आईडी होता है, तो आपको फॉरगेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते वक्त यूजर आईडी को फॉरगेट करना है और किस तरीके से हमें इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।